दोनों एक साथ गायब है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति यहाँ था वही नागमणि लेकर गया है। शेषा तुम जाओ, जल्दी जाओ और पता लगाओ कि वो व्यक्ति किस दिशा में किस ओर गया है। उसके हाथ में नागमणि होगी जिसकी रोशनी 35 मील तक दिखाई देती है। वही रोशनी तुम्हें उस तक लेकर जाएगी। तुम एक नागिन हो, तुम्हारी शक्तियां हैं तुम्हें उसके पास लेकर जाएंगी। नागमणि शिव जी की धरोहर है और तुम नाग नागिन उनके रखवाले हो। जाओ शेषा जाओ। जी गुरुदेव, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। हमारी शिवलिंग की नागमणि कोई नहीं ले जा सकता, ना कोई इंसान ना कोई शैतान। मैं जा रही हूँ गुरुदेव। जय भोलेनाथ। जा रहा है, मैं अभी जाती हूं। पार्टी की सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन अब ये फूल पार्टी के लिए नहीं मेरे बेटे के अर्थी पर चढ़ेगी। क्यों मेरे बेटे को क्यों उठा लिया तूने भगवान? अरे उनकी जगह मुझे उठा लेता, मैं जी कर क्या करूंगी? कितना मासूम था मेरा बेटा, सबसे प्यारा सबसे दुलारा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने सबका? कितना अच्छा बेटा था वो हमारा। अरे तुम लोगों का कितना अच्छा भाई था, कितना अच्छा पति था वो। अरे लेकिन उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्यों? तरुण अंकजी तरुण तरुण किसी की आग लगी और आज क्यों चला गया तू हमें बीच बाजार में छोड़ के? कितने सपने थे मेरे कि मैं दादा बनूंगा, अपने पोते पोतों को गोदी में खिलाऊंगा, कंधे पे बिठा के घोड़ा घोड़ा करूंगा। ऋतिक को क्यों जाना था? कितना कितना खुश था वो, कितना एक्साइटेड था। अरे इतने कम रूप में वो कैसे बोल सकती? मैं नहीं देख सकती उसे। माँ मेरा बेटा आ गया। हैंकि जी आ गया मेरा ऋतिक। तू सुन रहा है बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम तो यही सोच रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। छोड़ बातों को, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें तो यही खबर मिली थी कि एक एक्सीडेंट में। तू नहीं जानता बेटा, तू नहीं जानता, आज तुम्हें जिंदा देखा, हमें एक नई जिंदगी मिली है। मैं कितनी खुश हूँ बेटा, कितनी खुश। मेरी नागमणि की चाबी वापस आ गई, अब खुलेगा ताला किस्मत का। बेटा तुझे नहीं पता मेरा क्या हाल हुआ, मैं तो मर गया था। ऐसा लगा था जैसे शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई। बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा, मैं मर गया था। लेकिन अब चिंता नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया ना नागमणि जी? अब मुझे कोई टच भी नहीं कर पाया, अब देखे कोई टच भी नहीं कर पाया। ये आंसू ये रोना धोना सब झूठ है ऋतिक, कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें?
अंकुश रहजा कितना बड़ा खिलाड़ी है, इसी ने तुम्हारी मौत का जाल बिछाया है। डैड, मैं अब ठीक हूं। पता नहीं अचानक गाड़ी के ब्रेक्स कैसे फेल हो गए। कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई। भैया, हम तो डर ही गए थे। मैं तो पहली बार होश में आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू आ गया। हाँ भैया, आप ही तो हम सबका सपोर्ट सिस्टम हो। हाँ। शिवना, बेटा, तुम रिद्धि के साथ कैसे? वो मॉम, एक्सीडेंट होने से पहले मैंने ही शिवन्या को फोन किया था कि वहाँ थोड़ी आउटिंग कर लेंगे। अगर आज शिवन्या नहीं होती तो पता नहीं मैं घर कैसे आता। जब भी ऋतिक पे कोई मुसीबत आती है तुम ही डर बनकर उसके सामने आती हो। आज आज एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो ऋतिक को तुम जैसी बीवी मिली। थैंक यू, आज एक बार फिर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को बचाया। माँ, ऋतिक को बचाना मेरा हक भी है, मेरा फर्ज भी। कोई बुरी नजर, कोई बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी मैं ऋतिक पर। कम ऑन गाइस, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस दिन के लिए इतनी तैयारी की है वो अभी सेलिब्रेट करते हैं। डैड, मैं आपका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि हर कोई देखता रह जाए। झूठ, मैं क्या बोलता हूँ? पार्टी कुछ अंकुश रहजा स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं, लोग देखते रह जाएं। व्हाट से? चलो चलो ले शादी पे, चलो बाबा। ये अंकुश रहजा बहुत खतरनाक है। ऋतिक को इस घर में बहुत खतरा है। खतरा है तो मैं भी हूँ। मैं रहूंगी ऋतिक की ढाल बनके, तब तक जब तक ऋतिक सच नहीं जान जाता। क्या? आगमनी ले गई, धागे ले गई? कैसे कैसे मूर्ख हो तुम लोग, आगमनी की रक्षा नहीं कर पाए। क्या क्या मैंने किया उस आगमनी के लिए? दिन रात इस गुफा मैंने पूजा हवन की। याद रखना, उस नागमणि में मेरा भी हिस्सा है और तू यामिनी, उन पांचों कातिलों में तू तो सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा चालाक और चतुर। कातिलों की कातिल है तू, सरदारों की सरदार। हाँ, क्या हो गया था तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुझसे ये गलती कैसे हो गई तुझसे ये गलती? जो तूने नहीं चाहा वो मणि के सौदागरों को उनके हाथों में नागमणि दे दिया, और तुझे जरा भी आभास नहीं हुआ कि वो नागिन है। समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा दिमाग खराब है या तेरा वक्त खराब है। गुरुमा, वो दो नागिन है ना, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक है। जब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो मैं क्या चीज हूँ? और जो रक्षा कवच आपने हमें दिए थे ना, वो अंगूठियाँ, वो पहनने के बावजूद भी उस नागिन ने उन दोनों को मार दिया। एक अभी भी अस्पताल में पड़ा है, अधमरा सा। जब आपका ये रक्षा कवच कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या चीज हूँ? कितनी बार गुरुमा, कितनी बार आपने उस नागिन पर वार किया, जब आप उसे मार नहीं सकी तो मैं क्या चीज हूँ? तू चीज नहीं है यामिनी, तू तो बला है। कला के सामने चांद की 16 कला भी मात कर जा। तू कह रही है कि तू क्या चीज है? गुरुमा, आप तो जानती हैं, वो नागिन क्या चीज है? वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर लेती है। उसने तो आपका भी रूप धारण कर लिया था, मेरा भी रूप धारण कर लिया था। अब तो मुझे हर किसी में वो नागिन दिखाई देती है। जब भी मैं घर वालों को देखती हूँ तो हर घर वाले में भी वो नागिन दिखाई देती है मुझे। अब तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कौन इंसान है और कौन नागिन। अभी भी मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि आप गुरुमा हैं या आप नागिन हैं। आप गुरुमा ही हैं ना? गुरुमा? तू तो बहुत डरपोक निकली रही यामिनी, तू तो नागिन नहीं है ना? हाँ?
नागिन है, मैं भी नागिन हूँ। तेरे बच्चे नागिन, तेरा पति नागिन, यहाँ सब नागिन, सब नागिन है यहाँ।